गठबंधन को लेकर इशारे हो रहे हैं, कयास लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है। साफ साफ बोलने से कतरा रहा है। आलाकमान के ऑर्डर पर चलने का राग अलापा जा रहा है। यही कारण है कि गठबंधन पर अभी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कयास पे और चर्चा पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कौन क्या कयास लगा रहा है, कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, चुनाव के दौरान इस तरह की टिप्पणियां और कयास हमेशा लगाए जाते हैं, उस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी कर रहा हूं, पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि एक तरफ समझौते की बातें भी चल रही हैं। आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय के साथ होंगे। आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। हमारे संयम को कोई हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करे। तो अभी भी खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। दीपक, सवाल यही है कि जब इंडिया गठबंधन एक है, यही संदेश भी देना है और लगभग लगभग ये बताया जा रहा है कि बात हो चुकी है तय, गठबंधन होकर रहेगा, तो खुलकर बोल क्यों नहीं रहे नेता? किस बात का डर है? देखिए, खुलकर पहले इसलिए भी नहीं बताई जाती चीज़ें क्योंकि जो बात बन रही होती है वो बिगड़ जाती है, ये अक्सर पार्टियों का मानना है। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं साफ कर देता हूं विवेक। एक तो हरियाणा आम आदमी पार्टी के लिए क्यों ज़रूरी है। हरियाणा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंजाब और दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की लगातार ये कोशिश है कि जितनी भी ज़्यादा विधानसभा चुनाव में वो अपना कहीं ना कहीं कोशिश ये करे कि एक दो सीटें भी निकाल दे तो अपनी स्थिति को जो है वहाँ पर मजबूत करने में आगे कामयाब रहेगी। इसलिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी बहुत पहले से कर रही है। दूसरी बात जो जैनेन्द्र बता रहे थे कि करीबन 6 सीटों पर बात बनती हुई दिख रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 6 सीटें भी आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी मान के चल रही थी कि अगर उन्हें बहुत कम सीटें भी मिलती हैं, लेकिन सीटें वो दी जाए जो सीटें वो चाहते थे, जैसे कि 2 सीटों पर खासतौर पर अनुराग ढांडा जो चाहते हैं, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा में कलायत सीट पर उन्होंने काफी सालों से मेहनत की है, वो चाहते हैं कि वो सीट अगर उनकी झोली में आए तो लंबे मार्जिन से जीत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी बड़ी सीट जींद की थी जो कि सुशील गुप्ता जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, वो चाहते हैं क्योंकि जींद वाली सीट पर पंजाबी वोटर और बनिया वोटर दोनों ही वोटर्स का वर्चस्व है और सुशील गुप्ता बनिया है, अग्रवाल समाज से आते हैं, तो उनको फायदा वहां पर मिल सकता है। तो सीधे तौर पर सीटों को लेकर बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। उलझन इस बात को लेकर थी कि इन 2 सीटों पर जो कि आम आदमी पार्टी मान के चल रही है कि निकाल सकती है, उन 2 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट के लिए चाह रही थी, उसके लिए उसने लड़ाई लड़ी और अब माना ही जा रहा है कि कल तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी, 6 ना सही तो 5 सीटों पर जरूर दोनों का गठबंधन हो जाएगा। ठीक है, दीपक और जैनेन्द्र, आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए चुनाव को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के चुनावी दंगल में आज विनेश फोगाट भी उतरी। कांग्रेस में शामिल होने और टिकट पाने के बाद विनेश फोगाट ने आज चुनाव प्रचार का आगाज किया, लोगों के बीच गई, प्यार और सम्मान के लिए शुक्रिया कहा और उम्मीद जताई कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बस इनके उम्मीदों पे खरा उतरूं, जिम्मेदारी आ गई है, दिल से निभाऊंगी और आशीर्वाद रहेगा परमात्मा का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।